हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि खरड़ में प्रॉपर्टीज के क्या रेट चल रहे हैं मोहाली के अंदर, क्योंकि हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं हमारी ग्रेटर मोहाली के ही अंदर रहती है। तो आज की वीडियो कुछ इस प्रकार होने वाली है। आज भी मैं आपको ग्रेटर मोहाली के अंदर ये प्रोजेक्ट लेके आई हूँ जो गेटेड सोसाइटी के अंदर है, MC अप्रूव्ड है और इसमें रोड से लेकर पार्क हो गया आपका, सीवरेज के कनेक्शन वो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। तो गाइस काफी अच्छी लोकेशन में है। अगर आप सोसाइटी के बाहर की बात करें आपको यहाँ पे डेली नीड्स की शॉप मिलेगी और साथ के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह वो सारी नियर अबाउट 1 से 2 किलोमीटर के अराउंड है। तो गाइस ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा 8 एकड़ का ये सोसाइटी है और प्रॉपर इसमें इंडिपेंडेंट हाउसेस बने हैं, फ्लैट्स बने हैं और शॉप्स वगैरह भी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर है। तो गाइस ग्रेटर मोहाली के अंदर ये प्रोजेक्ट है। बात करते हैं इस घर के साइज की। घर का जो साइज है 100 गज में 3 BHK हाउस आज आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस आप हमारी वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, देखिए कि किस तरह की हमने कंस्ट्रक्शंस करी है और क्या क्या चीजें हमने इंटीरियर में लगाई है। अगर जिन्होंने मेरी कंस्ट्रक्शन की वीडियो नहीं देखी है कि कैसे हमने इसका बेस उठाया है तो थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो हमने जो है इस घर का बेस जो है 7 फुट नीचे से उठाया है। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मेंशन करा है, वहां पे आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारे पिलर्स रहते हैं। एक घर के हम अंदर हमने जो है 8 पिलर लगाए हैं और कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम ब्रिक्स के अंदर। और मटेरियल में जो सैंड यूज करते हैं वो हम क्रैशर रेता यूज करते हैं और ब्रिक्स जो है अव्वल एक नंबर ईंट यूज करते हैं और ACC की कंक्रीट ब्रिक्स भी आजकल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो गाइस काफी अच्छी लोकेशन में हम आपके लिए घर लेके आए हैं। तो चलते हैं फिर हम सीधा फ्रंट एलिवेशन देखते हैं और उसके बाद मैं आपको इंटीरियर व्यू दिखाती हूँ इस घर का। तो गाइस ये इस घर की फ्रंट एलिवेशन है। ग्लास का यूज करा है और इसके बाद जैसे कि आप नीचे की तरफ को आते हैं तो यहाँ पे आपका जो है प्रॉपर आपको गेट जो है हमने काफी अच्छी और हाई क्वालिटी का गेट प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टेनलेस स्टील के साथ विद वुडन के टच के साथ। तो इसी के साथ ही अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे काफी बड़ा जो है पार्किंग एरिया मिल रहा है। यहाँ पे आप इजिली अपना 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। तो इसमें जो है स्टेयर्स आपकी बाहर से ही रहेगी। तो यहाँ पे नीचे हमने यूटिलिटी एरिया दिया है ताकि आप अपना सिलेंडर लगाना चाहें तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी के साथ ही इधर को आते हैं तो ये आ जाता है हमारा 2 व्हीलर पार्किंग एरिया। अगर आपने इसको एज अ फ्लावर पॉट्स वगैरह भी यहाँ पे रखना है वो भी रख सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि पानी आप ऊपर इजिली चढ़ा सकें। तो गाइस ऊपर को देखिए तो प्रॉपर हमने लाइट्स का यहाँ पे काफी अच्छा और बहुत ही प्यारा वर्क किया है। इस साइड को आते हैं यहाँ पे भी आपको प्रॉपर जो है लाइट्स और टाइल्स का थोड़ा सा हमने वर्क दिया है ताकि आपके घर की लुक अच्छी लगे। यहाँ पे बाहर आपके जो है लाइट्स ऑन और ऑफ करने के प्रोविजन दिया है। एंकर ब्रांड के यहाँ पे स्विचेस यूज किए हैं और वी गार्ड की वायरिंग यूज की है। तो गाइस इसी के साथ ही ये आपका जो है मेन डोर है, काफी वाइड डोर आपको यहाँ पे मिल रहा है, डबल नेट के साथ मिलेगा। और वाइड डोर होने का एक रीजन ये भी है इससे आपका घर जो है स्पेशियस लगता है। तो इसी के साथ ही आपका सेकंड डोर है, ये देख सकते हैं आप। और जैसे ही आप यहाँ से अंदर की तरफ को एंटर होते हैं गाइस तो इससे को ये आ जाता है आपका लिविंग एरिया। गाइस ये घर जो है आपको सेमी फर्निश्ड मिल रहा है। अगर आपको सेम एज इट इज इसी तरह से चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, थोड़े से उसके एक्स्ट्रा चार्जेस ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे देखिए तो 4 to 5 सीटर काउच विद इजिली हमने यहाँ प्लेस करा है ताकि आप यहाँ से इजिली मूव हो सके और काफी कंफर्टेबल आप यहाँ पे इजिली बैठ सकते हैं 3-4 पर्सन। और इसी के साथ ही गाइस आप इधर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेगी जो कॉर्नर विंडो है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन आपके घर में बने रहे। और AC के लिए भी हमने बीच में यहाँ पे प्रोविजन दिया है। और इससे को आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा वर्क देख सकते हैं आप। मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि ये चीजें क्या है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। ये हमने जो है वॉलपेपर का डिजाइन
करवाया है, आप भी इसी तरह से अपने घर पे वॉलपेपर लगा सकते हैं जो काफी खूबसूरत लगता है आपके घर में। तो लिविंग एरिया के बिल्कुल ही ऊपर अगर चलते हैं तो ये आ जाता है आपका डाउन सीलिंग का डिजाइन विद फैन और झूमर वगैरह, आप अपने मर्जी से लगा सकते हैं अपने घर पे। गाइस इसका जो साइज है लिविंग एरिया का वो आपका 10x18 का साइज है। और इससे को आते हैं ये एलसीडी पैनल रहेगा जहां पे आप इजीली अपनी एलसीडी लगा सकते हैं, ये देखें आप। और काफी अच्छा वर्क दिया है हमने यहाँ पे। और इसी के साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारी मॉड्यूलर किचन, आप देख रहे होंगे काफी अच्छा और काफी स्पेशियस किचन आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आपको प्रॉपर वैरायटी आपको दे रहे हैं, प्रॉपर आपके यहाँ पे कबर्ड्स बने हैं गाइस। यहाँ पे आप अपना माइक्रोवेव रखना चाहें वो रख सकते हैं, इस साइड को फ्लोर कंटेनर राइस कंटेनर वो भी रख सकते हैं। प्रोफाइल हैंडल का हमने यहाँ पे यूज किया है जो काफी अच्छा लगता है। इधर को आते हैं तो यह आ जाता है आपका डिश वॉशिंग एरिया, एक साइड आप अपने जो वेट यूटेंसिल्स है उनको वॉश कर सकते हैं, यहाँ पे आप ड्राई करने के लिए रख सकते हैं, आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो है। और इसी के साथ ही जो भी हम बाथ फिटिंग दे रहे हैं आपको वो सेहरा ब्रांड की रहेगी। प्रॉपर आप कैबिनेट्स वगैरह देख सकते हैं सेम एज इट इज इसी तरह से मिल रहा है, चिमनी आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और ऊपर की तरफ को एक बार देखिए तो यहाँ पे आपको मिल रहा है डाउन सीलिंग और यहाँ पे हमने झूमर लगाया है, आप भी अपने घर पे झूमर प्लेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा किचन एरिया। यहाँ पे देखिए ये स्पेस जो है यहाँ पे हमने फ्रिज के लिए स्पेस दिया है ताकि आप सिंगल डोर हो या डबल डोर फ्रिज हो वो लगाना चाहे वो भी आप लगा सकते हैं। तो काफी अच्छा स्पेस है किचन का। अब चलते हैं हम अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। तो गाइस ये हमारा जो मास्टर बेडरूम रहेगा जो 10x13 में बना है, इससे को आते हैं तो यहाँ पे देखिए वॉलपेपर आपको दिया है और मैच करते हुए बेड जो 6x6 का बेड हमने यहाँ पे लगाया है जो काफी अच्छा लगता है। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं चलने के लिए काफी स्पेस है, तो बोथ साइड आप अपने टेबल लगाना चाहें वो भी आप यहाँ पे इजिली लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पे आते हैं ये वाली वॉल पे, यहाँ पे हमने कबर्ड्स आपको दे रखे हैं ताकि आप अपने क्लोथ्स वगैरह रजाइयां तलाइयां वो इजीली यहाँ पे रख सके। फुल हाइट तक आपको कबर्ड्स मिल रहे हैं, ये देख सकते हैं। ऊपर की तरफ को अगर देखते हैं तो आपको डाउन सीलिंग का डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन हम आपके लिए लेके आते हैं। यहाँ पे बेड के फ्रंट में ही एलसीडी पैनल गाइस, और इससे को आती है आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो। और यहाँ पे चलते हैं तो यह जाता है आपका अटैच वॉशरूम, आपको यहाँ पे वॉल टू वॉल टाइल्स मिलेगी। और इससे को देखिए तो यहाँ पे आपको वॉश बेसिन दिया है और सेहरा ब्रांड की बाथ फिटिंग्स रहेगी। प्रॉपर टैप्स वगैरह आपको यहाँ पे दे रहे हैं सेम एज इट इज इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया ये 3BHK फ्लैट है, आप अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं अच्छी खासी रेंटल इनकम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। आइडिया के लिए बता देती हूँ 30,000 के आसपास आप यहाँ से इजीली अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह हमारा जो है सेकंड बेडरूम है, सेम एज इट इज वॉलपेपर आपको रहेगी और 6x6 का बेड लगा है, बीच में नहीं है बेड। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे। सेम कवर्स आपको इसी तरह से नीचे की तरफ को भी कवर्स। और एक चीज और बताती हूँ, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमने स्पेस दिया ताकि लेडीज को काफी दिक्कत होती है झाड़ू पोछे करने में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इजीली आपका झाड़ू जो है लग सकता है, पोछे वगैरह इजीली लग सकते हैं। तो ये देखा आपने। इसी के साथ ही ऊपर को भी देखते हैं एक बार, ऊपर आपको प्रॉपर डाउन सीलिंग मिल रही है और बेड के फ्रंट में ही आपका जो है एलसीडी पैनल रहेगा। और इससे को आते हैं तो ये आ जाता है आपका वॉशिंग एरिया, ये देख सकते हैं वॉशिंग एरिया के लिए भी प्रोविजन दिया है। और इससे को बाहर भी हमने गीजर के लिए आपको प्रोविजन दे रहे हैं क्योंकि विंटर में जो है काफी दिक्कत होती है लेडीज को कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए, तो ताकि आप गर्म पानी से अपने कपड़े वगैरह वॉश कर सकते। ये आता है आपका सेकंड बेडरूम से, सॉरी सेकंड वॉशरूम, सेम एज इट इज इसी तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं। और प्रॉपर यहाँ पे आपको लाइट्स का वर्क मिल रहा है और जैसे आप देख रहे हैं सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये था हमारा सेकंड वॉशरूम। तो गाइस 2BHK हमारा
ग्राउंड फ्लोर में है और 1 BHK हमारा फर्स्ट फ्लोर में। आपने अगर खुद भी शिफ्ट होना है आप यहाँ पे खुद भी शिफ्ट हो सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर अपने लिए रख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर आप रेंट पे दे सकते हैं। 1 BHK अगर रेंट पे देते हैं 8 से 10 हज़ार आप इजिली यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, बिकॉज स्कूल कॉलेजेस जो है नियर बाय है। और बाकी अगर आपने इस प्रोजेक्ट को विजिट करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां पे आके आप चेक कर सकते हैं, हमारी साइट विजिट कर सकते हैं। आपकी डायरेक्ट डील हो रही है हमारे साथ, बीच में कोई ब्रोकर कोई डीलर किसी को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना है। और इससे को आते हैं तो ये आ जाती है हमारी बालकनी। एक बार आपको मैं बालकनी भी दिखा देती हूँ, काफी अच्छा व्यू है यहाँ से। और यहाँ पे देखिए स्टेनलेस स्टील का हमने जो है यूज करा है और टमन ग्लास का भी यूज करा है। कॉर्नर विंडो आपको यहाँ पे मिल रही है। इससे को आते हैं ऊपर की तरफ को प्रॉपर आपको यहाँ पे डाउन सीलिंग का डिजाइन मिल रहा है विद लाइट्स के साथ। तो यह आ जाता है हमारा डोर और डोर के साथ ही इससे को एंटर होते ही आ जाता है हमारा किचन एरिया। तो देख सकते हैं इनफ टू पर्सन के लिए इजी है, तो यहाँ पे इजिली कुक वगैरह कर सकते हैं, टैप्स वगैरह सेम एज इट इज इसी तरह से हम आपको हैंड ओवर करते हैं। तो इससे को आते हैं यह आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो यहाँ पे देखिए तो ये भी 10x12 का रूम है, इसलिए आपका बेड लग जाएगा। और इससे को आते हैं तो यह आ जाती है आपकी वेंटिलेशन के लिए कॉर्नर विंडो। और यहाँ पे जो वर्क रहेगा फर्स्ट फ्लोर में प्लस माइनस का वर्क रहेगा। और इसे को आते हैं कबर्स के साथ हमने ड्रेसिंग एरिया भी आपको यहाँ पे बीच में दिया है। ये देख सकते हैं ये कबर्स हैं, ये आपका ड्रेसिंग एरिया है, आप सुबह शाम के यहाँ पे रेडी हो सकते हैं। तो हमने क्या करा है बेडरूम और हॉल का हमने कॉमन वॉशरूम दिया है, आप देख सकते हैं एक बार सेम एज इट इज इसी तरह से दे रहे हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं। और यह आ जाना है हमारा ओपन एरिया। ओपन एरिया की बात करें काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ से आप जो है अपना फ्यूचर में अगर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आप बेडरूम भी यहाँ पे बना सकते हैं इसको। और प्रॉपर एरिया ये जो हमें डेवलप हो चुका है और काफ़ी अच्छी लोकेशन में है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं काफ़ी अच्छी रेंटल इनकम आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट में लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है और जिनका बजट कम है हम उनके लिए ही ये घर स्पेशली लेके आए हैं ग्रेटर मोहाली के अंदर। और बाकी हमारी साइट ज़रूर विजिट करें, आके आप एक बार कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी है, हम ये नहीं कह रहे काफ़ी अच्छी है, आप आके खुद देख लीजिए। और बाकी मैं यही कहना चाहूंगी मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, हमारे चैनल में इसी तरह से बने रहिए ताकि हम आपके लिए आपके बजट के घर लेके आए। और मेरी वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।